हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, वैट एंड सेल्स टैक्स एटसेट्रा। लेट मी फर्स्ट सी डिफाइंस मार्क प्राइस। In big shops and departmental stores, every article is tagged with a card and its price is written on it. This is called the mark price of that article, abbreviated as MP. For books, the printed price is mark price. इस तरीके से ये बड़ी बड़ी शॉप्स में और उसमें हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, एवरी आर्टिकल इज टैग्ड, उनके साथ एक कार्ड लगा हुआ होता है या उसी पर एक स्लिप लगी हुई होती है जिस पर उस आर्टिकल का रेट लिखा हुआ होता है। वही रेट हमारा मार्क प्राइस कहलाता है, वही रेट हमारा मार्क प्राइस कहलाता है। तो एवरीवेट एज एमपी, उसको हम शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं। फॉर बुक्स, बुक्स के अंदर क्या होता है, बुक्स में भी हमारा ये होता है कि बुक्स पे जो भी रेट्स लिखे हुए होते हैं वो हमारे मार्क प्राइस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन। नेक्स्ट डिफाइन है लिस्ट प्राइस। आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री आर मार्क्ड विद ए प्राइस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट supplied by the factory at which the retailer is supposed to sell them. This price is known as the list price. Factory वगैरह में कोई भी article manufacture होता है तो उसको जब वो factory किसी को supply करती है तो उसके rate वो एक list में note करके देती है। तो यही rate retailer के लिए या wholesaler के लिए क्या कहलाता है, list price, क्योंकि ये रेट एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस से थोड़े कम होते हैं जिससे कि रिटेलर भी प्रॉफिट अर्न कर सके उसमें। तो इस तरीके से फैक्ट्री वाले जिस रेट में ये आर्टिकल किसी रिटेलर को या होलसेलर को प्रोवाइड करवाते हैं और वो एक लिस्ट में उसके प्राइस नोट करके देते हैं तो उस आर्टिकल का वही लिस्ट प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल और क्लियर द ओल्ड स्टॉक, समटाइम्स द शॉपकीपर ऑफर ए सर्टेन परसेंट ऑफ रिवेट ऑन द मार्क प्राइस। दिस रिवेट इज नोन एज डिस्काउंट। कभी कभी सेल को बढ़ाने के लिए, जब सेल स्लो हो जाती है और पुराना स्टॉक, जैसे पुरानी शर्ट पड़ी हुई हैं, पुराने ट्राउजर्स हैं, तो उनको स्टॉक उनका क्लियर करने के लिए तो शॉपकीपर उस पर एक सर्टेन परसेंट, मतलब एक निश्चित परसेंट से छूट दे देता है। उस छूट को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो गया, कभी कभी सेल बढ़ाने के लिए और किस लिए, पुराने स्टॉक को सेल करने के लिए, तब हम डिस्काउंट का यूज करते हैं और डिस्काउंट दे करके ये कस्टमर को सस्ती पड़ जाती है चीज। नोट, द डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकर्न्ड ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही निकाला जाता है। जो भी मार्क प्राइस होगा उस पर रेट लिखे हुए होंगे, उसी पर भी जितना परसेंट होगा उतना परसेंट हम निकाल करके उसका डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला देखते हैं हम। हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट डिफाइंस। नेक्स्ट डिफाइन है हमारी सक्सेसिव डिस्काउंट। इफ टू और मोर डिस्काउंट्स आर अलाउड वन आफ्टर द अदर देन सच डिस्काउंट आर नोन एज सक्सेसिव डिस्काउंट और डिस्काउंट इन सीरीज। जब हम किसी भी आर्टिकल पर एक डिस्काउंट देने के बाद दूसरा डिस्काउंट एक और दे देते हैं
तो इस तरीके के डिस्काउंट कहलाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट या डिस्काउंट इन सीरीज। अब देखिए सेल टैक्स। सेल टैक्स इज कलेक्टेड बाय द रिटेलर व्हेन द फाइनल सेल इन द सप्लाई चेन इज रीच्ड वाया सेल टू द एंड कंज्यूमर एंड कंज्यूमर पे द सेल टैक्स ऑन देयर परचेज। सेल टैक्स क्या है? सेल टैक्स कलेक्ट करा जाता है रिटेलर के थ्रू व्हेन द फाइनल सेल इन द सप्लाई चेन इज रीच्ड वाया सेल टू द एंड कंज्यूमर। जब वो कंज्यूमर को सेल करी जाती है तो उस टाइम पर सेल टैक्स को कलेक्ट किया जाता है रिटेलर के थ्रू। एंड कंज्यूमर पे द सेल टैक्स ऑन देयर परचेज, और जो एंड कंज्यूमर जो सबसे लास्ट में उसको परचेज करते हैं वो इस सेल टैक्स को पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैट। वैट है, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। इज कलेक्टेड बाय ऑल सेलर्स इन ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स ऑल कलेक्ट द वैल्यू एडेड टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल्स। सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स ऑल पे द वैट ऑन देयर परचेज। वैट इज कलेक्टेड बाय ऑल सेलर्स। वैट जो है सारे सेलर सभी कलेक्ट करते हैं इन ईच स्टेज, हर स्टेज पर सप्लाई चेन, जहां जहां वो सप्लाई करते हैं हर स्टेज पर वो वैट को कलेक्ट करते हुए चले जाते हैं। सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स ऑल कलेक्ट द वैल्यू एडेड टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल। जो टैक्सेबल सेल होती है सारे सप्लायर भी, मैन्युफैक्चरर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी, रिटेलर भी, ये सभी वैट को कलेक्ट करते हैं। सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स ऑल पे द वैट ऑन देयर परचेज। ये जितने भी सारे के सारे हैं सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, ये सभी के सभी वैट पेड करते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेट टू देम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज रुपीज 4650, द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या है, हमारा वाटर कूलर का हमारा कॉस्ट मार्क प्राइस दिया हुआ है 4650, और ऑफ सीजन होने की वजह से उसने डिस्काउंट दिया है 18% का। जब 18% का डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसमें दिया हुआ था मार्क प्राइस रेकंड किस पर होता है, वो डिस्काउंट रेकंड किस पर होता है, मार्क प्राइस पर। तो हम पहले 4650 का 18% निकालेंगे, वो डिस्काउंट आ जाएगा और उसको जो भी निकल कर आएगा उसको उसके मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे। देखिए ये है हमारा, इसमें क्या आया हमारा, इसमें मार्क प्राइस आ गया 4650, डिस्काउंट आ गया 18%। डिस्काउंट निकालेंगे पहले हम, डिस्काउंट होता है 18% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस पर निकलेगा ये डिस्काउंट, उसमें पहले भी दिया हुआ था नोट में कि मार्क प्राइस पर 18% निकालेंगे, 18% ऑफ 4650। तो जब हम इसका 18% कैलकुलेट करेंगे तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो कट करेंगे 10 से 10 कैंसिल, 25 जा 10 और 29 जा 18, 5 से इसको काटेंगे, 59 जा 45, 53 जा 15, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 837। ये आ गया हमारा डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो वही फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ था स्टार्टिंग में, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस लिखा और डिस्काउंट लिखा, दोनों को माइनस करके आ गया 3830। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर इज 3830। तो ये इस तरीके से इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय, यदि हम 8% डिस्काउंट देते हैं किसी टॉय पर तो इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 216.20, उसको 216.20 में सेल कर दिया जाता है। ये आ गया सेलिंग प्राइस 216.20। पहले मार्क प्राइस दिया हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। तो इसमें मार्क प्राइस पूछा गया है, फाइंड द मार्क प्राइस।
तो इसमें मार्केट प्राइस को हम एज्यूम कर लेंगे x। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है। तो इसमें सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, मार्क सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 216.20, ये दिया हुआ। फिर रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है 8%, वो लिख दिया 8%। फिर मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला होता है एसपी का, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ तो उसको मान लेंगे हम एक्स। लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स, लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स। तो अब हम इसी फॉर्मूले के बेस से लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, ये 216, तो हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस 216। फिर क्या है एमपी माइनस डिस्काउंट, क्या है एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एमपी कितना है हमारा एक्स, वो ये लिख दिया एक्स। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमपी का 8% निकाल लेंगे तो वो ये डिस्काउंट आ गया, एक्स एमपी हो गया, 8/100 हो गया इसका रेट वेट का, और इसको एमपी में से माइनस कर दिया, एमपी में से इस डिस्काउंट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, सॉल्व करने के बाद यह जाएगा हमारा 92x/100 और इज इक्वल टू आ जाएगा 216.20, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 100 यहां पर मल्टी डिवाइड में है और उस साइड जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहां पर 100 हो जाएगा नहीं, जब हम 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 21,620, और यहां क्या रह जाएगा 92x, ठीक है। जब ये 92 यहाँ मल्टीप्लाई में, जब हम इस साइड लेकर आएंगे इसको ट्रांसफर करके तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 21,620/92, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में हो गया। जब हमने 92 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया है 235, कितना आ गया 235। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया मार्क प्राइस, क्या आ गया ये हमारा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 235। तो हमने इसमें एक्स एज्यूम करा मार्क प्राइस, इसका डिस्काउंट निकाला एक्स का 8%, उसको एमपी में से एक्स में से ही माइनस कर दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया, उसको रख दिया 216 के इक्वल, और उससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीलर परचेस्ड ए फैन फॉर रुपीज 1,080, उसने एक फैन परचेज कराया 1,080 का, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, उसने डिस्काउंट दिया है उस पर 25% का, ठीक है। ही गेन्स 25%, फिर भी उसे 25% का गेन हो गया, फाइंड द मार्क प्राइस। इसमें देखिए ये हमें दिया हुआ है परचेज प्राइस, परचेज प्राइस का मतलब ये है ये डिस्काउंट काटने के बाद अमाउंट आया हुआ है 1,080, ठीक है, और उसके बाद भी उसने 25% का गेन लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया हुआ और ना ही मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हमें यहां पर दोनों को ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, इसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन कितना दिया हुआ है हमारा 1,080 और गेन परसेंट दिया हुआ है 25%, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के, वो है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। जब हमें कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ हो, गेन परसेंट भी दिया हुआ हो, तो हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। अब इसके बाद जब हमने इसको इसकी वैल्यू रखी, गेन की वैल्यू हो गई 25, तो 100 प्लस 25 अपॉन 100, सी पी की वैल्यू हो गई 1,080, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ इसमें 125 अपॉन 100 और ये हो गया 1,080। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेंगे, ये हमारा जीरो से जीरो कैंसिल, टू से काटा, टू फाइव जा 10, टू फोर जा 8, टू से गया 5, और 5 से काटा, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 25 और 54 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1,350। अब ये देखिए ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब हम मार्क प्राइस
निकालेंगे, उसके लिए हम इसको एज्यूम करना पड़ेगा मार्क्ड प्राइस को। तो देखिए, लेट द डिस्मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स, मार्क्ड प्राइस क्या मान लिया एक्स, डिस्काउंट क्या निकलेगा मार्क्ड प्राइस का 25%, तो डिस्काउंट निकाल दिया एक्स का 25%, तो कितना जाएगा 25x/100। फिर एसपी निकालेंगे, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एसपी एसपी के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, ये वाला एसपी, वो ये आ गया, ठीक है, और एमपी आ गया हमारा एक्स, ये दिया हुआ एक्स, तो एक्स लिख दिया, डिस्काउंट डिस्काउंट ये आया है हमारा 25x, तो 25x/100 ये लिख दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100, तो ये 100 ही आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 100x-25, इस वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 100x-25, और ये एज इट इज यहां पर लिख दिया। अब जब 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, और ये 100 यहां पर डिवाइड में जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 1,35,000, 1,35,000, और इधर से माइनस करके क्या आ गया 75x। इसके बाद अब यहां 75 मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो x को तो यहीं रोक लिया, ये 75 इधर से जब इस साइड गया तो किसमें आ गया डिवाइड में, ठीक है। जब हम 75 से इसको डिवाइड करेंगे ऊपर वाले टर्म को तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके 1800, तो इसलिए उसका मार्क्ड प्राइस जो पूछा है मैं, मार्क्ड प्राइस कितना हो गया 1800, देयरफॉर द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज रुपीज 1800। तो इस तरीके से हम इसका मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ए ट्रेडर स्टिल मेक्स ए गेन ऑफ 17%, बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यदि हम 10% का डिस्काउंट देते हैं मार्क्ड प्राइस पर तो भी रिटेलर को 17% का गेन होता है, तो भी 17% का गेन होता है। अब इसने पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, इसने पूछा है कि मार्क्ड प्राइस कितना ऊपर रखें कॉस्ट प्राइस से जिससे कि उसको डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का क्या हो जाए, 17% का गेन हो जाए, उसने ये बात रखी, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों ही मानने पड़ेंगे क्योंकि दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं सबसे पहले लेट द रुपीज 100 बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100, ठीक है। अब उसने कितने का दिया है इसमें कॉस्ट प्राइस के बाद 17% का क्या होता है उसको गेन, क्या होता है 17% 17 का होता है इसको गेन परसेंट, है ना, तो 17 का होता है इसको गेन परसेंट। अब क्या करेगा ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, इसलिए 100 में उस 17 रुपीज को प्लस कर देगा तो कितना जाएगा 117 क्या जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेट द अब मानेगा मार्क प्राइस, लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स, ठीक है। अब डिस्काउंट निकाल लेंगे एक्स का 10%, एक्स का 10% निकालेंगे तो 10/100 × x, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स बन जाए एक्स, एक्स अपॉन 10, ये आ गया डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है एमपी माइनस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा ऊपर आया था 117, ये रहा कितना आया था हमारा सेलिंग प्राइस 117, वो ये लिख दिया हमने, और एमपी था हमारा एक्स, तो एमपी आ गया एक्स, और डिस्काउंट आ गया एक्स अपॉन 10, एक्स अपॉन 10। जब हमने इन दोनों को सॉल्व करा तो क्या आ गया 9x/10, और ये 117 एज इट इज आ गया। अब एक्स को तो यहीं रोक लेंगे और ये इधर जा करके 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, जब 10 की मल्टीप्लाई 117 में करेंगे तो क्या जाएगा 1170, और 9x एज इट इज रोक लेंगे। अब 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर किसमें हो गया डिवाइड में, x को यहाँ पर ही रोक लेंगे और इक्वल के इधर ले जाएंगे 9 को, तो किसमें हो जाएगा ये डिवाइड में, 9 से जब इसको डिवाइड करा कितना आ गया 130, 130। अब ये आ गया मार्क प्राइस 130,
अब उसने पूछा था मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अबव रखा जाए, तो 130 तो हो गया मार्क प्राइस और 100 हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, तो क्या कर देंगे दोनों को माइनस, तो 130 माइनस 100 तो कितना आ गया 30, तो 30% अबव हो गया, तो वही लिख दिया इसने, हेंस द मार्क प्राइस इज 30% अबव, ये आ गया यहाँ पर 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस को 30% अबव रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% और 5%। किसी आर्टिकल पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है पहले और 20% देने के बाद 5% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो दो डिस्काउंट होगा, ये कहलाते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। उसने कहा इन दोनों की जगह वो एक ही डिस्काउंट दे तो वो कितने परसेंट दे, तो उसके लिए हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा 100 मार्क प्राइस इसका। तो देखिए इसमें एज्यूम करा, लेट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल रुपीज 100, फर्स्ट डिस्काउंट 20%, तो प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया रुपीज 80। अब सेकंड डिस्काउंट निकालेगा, सेकंड डिस्काउंट कितना है 5%, तो अब 80 का निकालेगा, जो निकालेगा किसका निकालेगा 80 का, तो सेकंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ 80, तो 5 अपॉन 100 इनटू 80, 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटा 24 जा 8, 2 से काटा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4, कितना आ गया डिस्काउंट 4। अब प्राइस आफ्टर द सेकंड डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा 80 का, तो ये था और 4 का डिस्काउंट और मिल गया, तो माइनस कर दिया डिस्काउंट, ये आ गया 76, कितना आ गया ये 76। अब ये 76 में बेचेगा उस आर्टिकल को, 100 रुपए वाले आर्टिकल को दोनों डिस्काउंट देने के बाद 76 में सेल करेगा। अब उसने पूछा है इन दोनों डिस्काउंट को खत्म करके एक ही डिस्काउंट दे, तो वो क्या करेगा 100 में से, इस 100 रुपीज में से ये जो 76 में सेल कर रहा है इसको माइनस कर देगा, तो उसे सिंगल डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो उसने वही करा है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 76, 100 माइनस 76 तो ये आ गया 24। तो वो इन दोनों डिस्काउंट को ना दे करके एक सिंगल डिस्काउंट 24% दे सकता है, जिससे कि उसे उतने ही प्राइस में सेल होगा जितने में इन दोनों को देने के, इन दोनों डिस्काउंट को देने के बाद सेल करेगा। ठीक है, तो ये सिंगल डिस्काउंट हो गया 24%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज रुपीज 14,650, इफ 6% इज चार्ज्ड एज सेल टैक्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट बतानी है, तो लिस्ट प्राइस का 6% निकाल देंगे तो सेल टैक्स आ जाएगा, और उसको ये जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 14,650 इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका, उसकी कॉस्ट आ जाएगी रेफ्रिजरेटर की, बस यही करना है हमको। देखिए लिस्ट प्राइस लिख लिया 14,650, इसके बाद में सेल टैक्स निकाला 6% ऑफ 14,650 का, तो जब हम इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 879। ठीक है, अब इसको बिल अमाउंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये जो इसकी अमाउंट है रेफ्रिजरेटर की उसमें इस सेल टैक्स को प्लस कर देंगे, तो ये अमाउंट ये लिख दी और इसके बाद फिर इसके सेल टैक्स को इसमें प्लस कर दिया, लिस्ट प्राइस में सेल टैक्स को प्लस कर दिया, तो दोनों प्लस करके आ गए 15,529। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब ये इतने रुपए का ये किसी भी कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं इतना वैट लेकर के, सेल टैक्स लेकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा कि तन्वी बॉट ए वॉच, तन्वी ने एक वॉच खरीदी है 1980 की इंक्लूडिंग वैट और एट 10%, उसमें वैट भी एड है 10% का, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच, वॉच का ओरिजिनल प्राइस बताना है, वॉच का ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो ओरिजिनल प्राइस मान लिया जाएगा x, उसका 10% निकाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे उसको, जो इक्वेशन आएगी उसको 1980 के इक्वल रख देंगे। देखिए ये रहा, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x, कितना मान लिया ओरिजिनल प्राइस x, इसका 10% निकाल लेंगे वैट, तो x का 10% निकालेंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना आ गया x अपॉन 10, ये आ गया हमारा वैट। ठीक
ठीक है, अब प्राइस इंक्लूडिंग वेट, अब इसका प्राइस इंक्लूडिंग वेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वेट, ओरिजिनल प्राइस हो गया ये वाला, तो ये आ गया ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या हो गया, ये वेट हो गया हमारा, क्या हो गया ये वेट, ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस प्लस वेट, तो जब हमने इसको प्लस करा तो ये आ गया 11x upon 10, अब ये भी हमारा इंक्लूडिंग वेट है और ये ऊपर दिया हुआ है ये भी इंक्लूडिंग वेट है, तो दोनों इंक्लूडिंग वेट है तो दोनों इक्वल होंगे, तो हमने दोनों को इक्वेशन बना दी, 11x upon 10 is equal to 1980, ठीक है, 10 यहाँ डिवाइड में इधर जाके किस में हो गया मल्टीप्लाई में, और ये 11 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये पहुंच गया डिवाइड में, ठीक है, 10 ऊपर आ गया और 11 नीचे, मतलब इनवर्स हो जाता है जब हम किसी भी नंबर को इक्वल के इधर ट्रांसफर करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो तो बन जाता है न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो बन जाता है डिनोमिनेटर, अब इसको काट लो, 11 से काटेंगे 11 1 जा 11 11 8 जा 88, और 0 की 0, अब 10 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो कितना आ गया 1800, तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया रेफ्रिजरेटर का, इसमें वॉच का कितना हो गया ओरिजिनल प्राइस 1800, तो इसने वही लिखा है, हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच इज इक्वल टू 1800 रुपीज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रोहित परचेज ए पेयर ऑफ शू फॉर रुपीज 882, इतने रुपए का उसने शू परचेज करा, उसमें वेट भी इंक्लूड है 882 में, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 840, फाइंड द वेट ऑफ रेट, उसमें वेट ऑफ रेट बताना है, ठीक है, तो हम इसमें इस टाइप से करेंगे, देखिए अब ये देखिए, लेट द रेट ऑफ वेट इज इक्वल टू एक्स परसेंट, वेट का रेट मान लिया हमने एक्स परसेंट, तो इसका हम एक्स परसेंट निकालेंगे, ओरिजिनल रेट तो यही हो गया, और इसका एक्स परसेंट वेट इसमें ऐड करेंगे, तो कौन सा वाला प्राइस आ जाएगा, इंक्लूडिंग वेट वाला 882 वाला, तो वो आ गया 882, अब हमने इसका ये 840 प्लस में था, जब इस साइड में जाएगा तो किस में हो गया माइनस में, तो ये कर दिया माइनस, ठीक है, और एक्स ऑफ 840, इसका जब 840 का एक्स परसेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, 84 बन जाए 84 एक्स अपॉन 10, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 42, 882 में से 840 को माइनस करा तो 42, अब क्या करेंगे हम 84 अपॉन 10 को जब इस साइड में लेकर जाएंगे इक्वल के राइट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, 10 तो आ जाएगा ऊपर और 84 आ जाएगा नीचे, ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो 42 2 जा 84 2 आया 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया x की वैल्यू 5, और x क्या है वेट का रेट, तो इसलिए आ गया रा रेट ऑफ वेट इज इक्वल टू 5%, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आगे और भी इसको होंगे क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।